दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपका सेंटर कहां पर जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि दोस्तों फॉर्म आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने फिल भी कर लिया है और 15 जुलाई से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर जो है मेरा सेंटर कहां जाएगा, अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखो सेंटर तो जाएगा, अब ये है बात, ये अलग बात है कि पूरे शहर में या पूरे ज़िले में एक या दो सेंटर बने, क्योंकि दोस्तों सिर्फ क्लास 10 और 12 का मिला करके अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख या 2.75 लाख बच्चों का आया है कंपार्टमेंट, ठीक है। अब चूंकि इतने कम बच्चे हैं, अलग अलग जगह सारे बच्चों का सेंटर नहीं जाएगा, हो सकता है सेंटर को एक जगह कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन सेंटर ज़रूर जाएगा। अब ये अलग बात है कि आपके उस सेंटर पर जाएगा या नहीं जाएगा जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था, तो दोस्तों सेंटर चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके शहर में या आपके ज़िले में 8-10 स्कूलें हों जिसमें सेंटर गया रहा हो, लेकिन अब चूंकि बच्चे कम हैं कंपार्टमेंट वाले, तो हो सकता है उस स्कूल को कम कर दे, एक ही दो स्कूल में कर दे, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको जब दोस्तों आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड दोस्तों बता दो कब आएगा, 15 तारीख तक आपके पास टाइम है, जून तक, 15 जून के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अब उसी एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल आपको मिलने वाली है और कि आपका सेंटर कहां पर गया है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ आपको फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर, बढ़िया सा तैयारी करिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे मन में सवाल करते हैं कि सर जो है क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा या नॉर्मली आएगा या ईजी आएगा, तो दोस्तों देखो नॉर्मल ही पेपर आता है, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस तरह से है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो टफ पेपर ईजी लगेगा, और अगर नहीं तैयारी की है तो इजी पेपर भी टफ लगने लगेगा। तो दोस्तों पेपर नॉर्मली ही आता है, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए और हिम्मत रखिए, और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।